नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम स्टैंडर्ड 8 में भाषा सज्जता यानी कि ग्रामर में सीखेंगे विशेषण। विद्यार्थी मित्र, विशेषण का अर्थ होता है वाक्य की या पद की विशेषता बढ़ाने वाला शब्द, जिसे कहते हैं विशेषण। अब हम आगे देखें तो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और इन्हें प्रयुक्त घाटे शब्दों पर ध्यान दीजिए। आपकी भाषा सज्जता में नीचे वाक्य लिखे गए हैं, उनमें से कुछ शब्द गाढ़े अक्षर में लिखे गए हैं, हमें उस पर गौर करना है। पहला है सूरत ऐतिहासिक नगर है, उसमें ऐतिहासिक है वह गाढ़े काले रंग में छापा गया है। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता, हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। छात्रालय में 20 छात्र है, वे लड़के खेल रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20 आदि शब्द गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं। वे सभी गाढ़े शब्द किसी न किसी रूप में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं। तो बच्चों, हम आगे संज्ञा और सर्वनाम सीख गए हैं। संज्ञा यानी नाम और सर्वनाम यानी कि नाम के बदले जो प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं सर्वनाम। तो उपरोक्त दिए गए वाक्यों में ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अगर हम कहें तो यह गुलाब है और वाक्य हम दूसरी ओर से लिखे कि यह गुलाब सुंदर है, तो वाक्य की विशेषता बढ़ गई ना। सुंदर है, यह वाक्य की विशेषण है, वाक्य की विशेषता बताता है, इसे कहते हैं विशेषण। अब हम उनकी व्याख्या देखें तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। आप विशेषण तथा उसके प्रकार आगे सीख चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पहचान कर उनके प्रकार लिखिए। पहला है ओम चतुर लड़का है, तो चतुर है यह ओम नाम के लड़के का विशेषण है, उसकी विशेषता है। श्याम ने 20 किलो आटा खरीदा, तो 20 है यह विशेषण है। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई, थोड़ी यह विशेषण है। साहिल के पास 10 रुपये हैं, 10 है यह उनकी विशेषता है। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, कुछ यह विशेषण है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको गूगल क्लासरूम में यह विशेषण के बारे में लिखकर होमवर्क में भेजना है। थैंक यू।